असरे मेरे बाद इस संसार में इस राज के ऊपर तुम्हारा ही अधिकार था पुत्र। मैं तुमसे पूछे बगैर ये धन दौलत ये राजपाट में गुरुदेव को दान कर दिए। कहो पुत्र इसमें तुम्हारी क्या राय है? आओ बालका मां आ कैला हो पिता जी आ गुरु कैला दसरे मैं इसलिए डर रहा था पुत्र राजन कितना विलंब कर रहा है। एक अवश्य सूचना है जो भी है हाथ को समेट कर रही है कलाकार को ठोकर लग गया है नहीं तो हम ठोकर मार देंगे गांव उजार देंगे। ऐसे ने मोछ लगाए हैं शांत रहिए देखना है पूरा देखिए ने घर जाइए। राजन कितना विलंब तुम कर रहे हो? हे गुरुदेव मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र से मिल चुका हूं। मैं आपका दक्षिणा जरूर पूरा करूंगा लेकिन कितना दिन में? गुरुदेव जब आप कह रहे हैं कि इस राज में मुझे रहने का भी जगह नहीं है मुझे काशी बनारस जाना पड़ेगा तो आप मुझे काशी बनारस तक जाने का समय दें गुरुदेव ताकि आपका दक्षिणा में पूरा कर सको। मेरा गुरुदेव का आदेश है तुम्हारे साथ हम जाएंगे और काशी का रास्ता हम दिखाएंगे। और राजन जब हमें भूख लगेगा हमें भोजन कराना होगा जरूर कराऊंगा गुरुदेव। थक जाऊंगा तीन दिनों प्राणी का सेवा करना होगा मेरा। और इस भेद में नहीं अपना ताज खोलो राजा यहाँ का राजा तुम नहीं यहाँ का राजा गुरु विश्वामित्र है। आप सब कह रहे हैं गुरुदेव जब ये राजपाट ये धन दौलत में आपको दान कर दिए तो ये राज मुकुट अब इस सर पे शोभा नहीं देता। आइए गुरुदेव जय हो साजन जी बहुत तेल लगे हो। मैं ये राज मुकुट आज मैं आपको प्रदान करता हूं। आहो दिया भाई दिया
तुमने कर दिया, मैं दक्षिणा चाहता हूं। 15 रोज में मेरा दक्षिणा पूरा चाहिए, मेरा दान दिया हुआ मैं वापस कर दूंगा। नहीं गुरुदेव, 15 दिन तो मुझे यहां से बनारस जाने में ही लग जाएगा, मुझे कम से कम 1 माह का समय दे गुरुदेव, और मुझे अपने साथ मुझे काशी तक छोड़ दे, ताकि मैं काशी में रह करके अपने सत धर्म का पालन कर सकूं, आपका दक्षिणा पूरा कर सकूं। ठीक है राजन, 39 दिन तुम्हारा, 40वां दिन मेरा, दक्षिणा पूरा करना होगा, वरना दिया हुआ धन आपको वापस कर देंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं आपका दक्षिणा जरूर पूरा करूंगा, संसार में सत्य के मार्ग पे चलने वाला ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से मिथ्या नहीं होगा गुरु। सदा चली आई प्राण जाए पर बचानो न जाई। चले गुरुदेव, मुझे इस दरबार से मुझे काशी
बनारस को ले चले।